देखो यहाँ क्या हो रहा है, पकड़ो इस चोर को। I'm sorry, miss, मैं अंधा हूँ। मेरी छड़ी खो गई है और मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए मुझे। मैं कहाँ हूँ? कोई बात नहीं, ये देख नहीं सकते, सब ठीक है। मिस, आप इतनी जोर से चिल्लाई जैसे कोई चोर घुसाया हो। जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई चोर नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है, हमें पहले कैमरास चेक करने हैं, मुझे देखना है कि यहाँ क्या हुआ था। सुनिए, मैंने कहा ना, जाने दीजिए इसको। ओके, जैसा आप कहें मैम। माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हुई। कोई बात नहीं मिस, मेरे साथ ही अक्सर होता है, मगर फिर भी मैं अच्छाई में विश्वास करता हूँ। सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मैं? हाँ। कैसे? क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करेंगे? कैसे कहूँ, मेरा बेटा भी देख नहीं सकता और मुझे लगता है कि उसे आपसे बात करके अच्छा लगेगा। चलेंगे ना? I'm sorry, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे नहीं, आपको बस ऊपर तक जाना है एलिवेटर से, मैं यहीं रहती हूँ, इसी बिल्डिंग में बने एक पेंट हाउस में। पेंट हाउस? हाँ। एक अंधा बनकर किसी अमीर औरत के घर चोरी करना सच में कमाल का आइडिया था। शायद आप कुछ वक्त निकाल पाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे आपके बेटे से मिलकर खुशी होगी। बढ़िया, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। पर मैं भूल गया था कि सच एक दिन सामने जरूर आता है आखिर में। वेलकम। आप ठीक है ना? ये स्मेल सच में बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही कमाल की खुशबू है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ आइए। लियाम, मेरे साथ जेम्स आए हैं। दरअसल मैं इन्हें ज्यादा समय से नहीं जानती, पर लगता है कि ये एक अच्छे इंसान हैं। हाय लियाम। हाय जेम्स। दरअसल मेरा बेटा पिछले एक साल से घर पर ही है, तो वो किसी से बात ही नहीं करता है। मुझे लगा कि उसे आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। यहाँ क्यों आए हो जेम्स? वेल यंग मैन, मैं तुमसे यहाँ कुछ बात करने आया हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता, यहाँ से चले जाओ। ओके। ये तो बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, पर हम दोनों एक जैसे ही हैं। वो कैसे? दरअसल मैं भी देख नहीं सकता, क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ। लियाम, अगर आप हमें कुछ देर तक अकेला छोड़ दें, तो लियाम के लिए खुलकर बात करना आसान हो जाएगा। हम एक दूसरे से दिल की बात कर पाएंगे, दो लोग जो देख नहीं सकते। हाँ, पर अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ओके लियाम, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ रही हूँ और मैं केक लेकर आती हूँ। ओके? और तुम सेफ हो, अगर मेरी जरूरत हो तो बस आवाज दे देना, अब मैं जाती हूँ। अच्छा? ओके। लियाम, क्या तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं देख नहीं सकता। लेकिन मैं सुन सकता हूँ। वो मेरी तरफ ही देख रहा था, ऐसा लगा जैसे उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम घूम क्यों रहे हो?
नहीं नहीं, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। क्या मैं तुम्हारे और करीब आऊँ? नहीं मत आओ, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। तो क्या करते हो सारा वक्त? ओरिगामी। मेरे पास एक बड़ा कलेक्शन है। तुम्हें ओरिगामी पसंद है? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, बस थोड़ी देर में। हमेशा ऐसा ही होता है, किसी को मेरी परवाह नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है और डैड भी करते होंगे। मॉम हमेशा बिजी रहती है और मेरे डैड, वो हमें छोड़ के चले गए और जाते जाते सब ले गए। ये कब की बात है? कुछ सालों पहले की। मुझे दिखाई ना देने के बाद। तुम्हारे डैड अजीब हैं, मेरे डैड की तरह। तुम्हारे डैड ने क्या किया? वो मेरी माँ को छोड़कर चले गए जब वो प्रेग्नेंट थी। तो हम दोनों के डैड एक ही जैसे हैं, वो बस अपनी परेशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। तो क्या तुम उनसे कभी नहीं मिले? नहीं। खैर छोड़ो, हमें अपनी मॉम्स के लिए स्ट्रांग रहना होगा। मेरी मॉम भी स्ट्रांग रहने को कहती है। थैंक यू। थैंक यू। तो तुम मुझे जरा अपना ओरिगामी कलेक्शन दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा। पर तुम तो अंधे हो। वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ओके, चाय आ गई। अरे इसे मत। ओह माय गॉड लियाम। फिर से करो लियाम। यहाँ क्या चल रहा है? लियाम तुम ठीक हो? हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। ओ माय गॉड तुम देख सकते हो? ओ मैं कितनी बेवकूफ हूँ। हाँ मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं देख नहीं सकता। ओ कितनी बेवकूफ। मैं मानता हूँ मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ चोरी के इरादे से ही आया था। बस बहुत हुआ, अब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। बहुत हुआ, चेक कर लीजिए। बहुत हुआ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मॉम प्लीज नहीं, नहीं। लियाम लियाम मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ, मेरी गलती है, वो बुरा इंसान है। नहीं मॉम, पर हो सकता है, पर उसका दिल अच्छा है, उसने कुछ नहीं चुराया, मेरे साथ वक्त बिताया, वो मेरा दोस्त है। मॉम आपका बेटा सच में बहुत ही टैलेंटेड है, क्या क्या ही वही स्टार है जो तुम मुझे बता रहे थे? हाँ ये देखा आपने, ये तो कमाल है। तुम मुझे भी ये सिखाओगे? हाँ बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू, तुमने मेरे बेटे को फिर से लोगों पर विश्वास करना सिखा दिया। थैंक यू। क्या आपके बेटे ने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन में कितना ही अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर होता है आखिर में। ये सच है। ओ मेरे बेटे। चीन के वोंगगुई को एक कभी एहसास नहीं हो पाया। जरा सोचिए 10 साल तक उसने अपनी आवाज चले जाने का ढोंग रचाया अपने अंकल पर किए गए हमले की सजा से बचने के लिए, पर एक दिन उसे कड़वे सच का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जब 10 साल तक कुछ ना बोलने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स इतने कमजोर हो गए कि सच में उसने अपनी आवाज खो दी।